भाई पांचवा गियर नहीं लगाया गाड़ी ने अभी तक, 140 क्रॉस कर गई भाई गाड़ी। टाटा ने भाई यहाँ पे जो अपना लोगो है उसको भाई अब चेंज कर दिया गया, व्हील कैप को कट कर दिया गया, तो भाई एलॉय वाली लुक देते हैं आपको ये व्हील कैप। भाई यहाँ पे बहुत तगड़ा खेल जाता है क्योंकि इसको यहाँ से ऐसे पुल करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ वहां पे सबसे बड़ा चेंज भाई कहाँ आता है, वो आता है यहाँ पे। जी बहुत सी कंपनी ये चीज मिस कर रही है, लेकिन जब आप इस गाड़ी को सीएनजी में चलाएंगे बहुत जर्की लगता था, मतलब झटके देता था, मतलब जब गियर चेंज होते थे। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होगे, फुल मेंस अपनी लाइफ को एंजॉय करने होंगे। भाई अब एंजॉयमेंट की बारी उन लोगों की है जिनको भाई गाड़ी चाहिए थी सीएनजी में, प्लस उनको भाई साथ साथ चाहिए था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो भाई ये कमी ना अब टाटा ने ना भाई आपकी पूरी कर दिया। सीएनजी से भाई आपको एक्स्ट्रा फ्यूल में सेविंग हो जाती है, लेकिन भाई जब ट्रैफिक में चलते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो भाई सीएनजी गाड़ी लेना तो चाहते हैं लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होने के कारण नहीं लेते थे कि यार अगर सीएनजी में भी हमको ऑटोमेटिक मिल जाता ना तो यार एक मजा सा आ जाता। तो वो भाई अब टाटा ने पूरा कर दिया है, टियागो सीएनजी ऑटोमेटिक। जी हाँ, आज जो ये गाड़ी हमारे पास है ये है तो सीएनजी, लेकिन इसमें आपको अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगा और वो भी मात्र 7,90,000 की एक शोरूम कीमत पे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में भाई आपको कुछ खास वैसे चेंज नहीं मिलेगा, खास चेंज बोलने का मतलब ये है कि नॉर्मल टियागो से सीएनजी ऑटोमेटिक में फ्रंट में आपको चेंजेस नहीं देखने में, लेकिन टाटा ने भाई यहाँ पे जो अपना लोगो है उसको भाई अब चेंज कर दिया गया। लगभग जितने भी अब नई सारी टाटा की गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें आपको ना ये थोड़ा एक्रेलिक टाइप का और ना जो जैसे पहले 3D में आता था ना ऊपर से मोनोग्राम होता, वो नहीं है, अब प्लेन कर दिया गया है। ग्रिल भाई बहुत शानदार टाटा की गाड़ियों में ना फ्रंट में ना जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है टाटा की ग्रिल। भाई जो भी डिज़ाइन कर रहा है ना बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन कर रहा है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन कर रहा है। साइड में आएंगे तो भाई यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, प्लस साथ में आपको हाई बीम के लिए अलग से मिलेगा। नीचे आपको फॉग लैंप नॉर्मल हैलोजन में मिलेंगे, यहाँ पे आपको इसके DRLs मिलेंगे। चार ट्रिम है टोटल, प्लस आपको NRG में भी मिलेगी। NRG का और जो XZA+ है उसका प्राइस सेम रहेगा, 8,80,000 एक्स शोरूम। चौथा जो वेरिएंट होता है वो इसका ड्यूअल टोन वर्जन है। और जो ये कलर है ना भाई, ये नया कलर इंट्रोड्यूस किया टाटा ने AMT में, जिसका नाम दिया है टाटा ने टोर्नेडो ब्लू। बाकी कलर को छोड़ते यार आ जाते हैं हम साइड लुक पे। तो साइड में आएंगे तो भाई आपको यहाँ पे मिलेंगे स्टाइलाइज्ड व्हील कैप्स मिलेंगे, अलॉय नहीं है भाई, रिम की ऐसी कटिंग होती है सेम उसी डिजाइन में, व्हील कैप को कट कर दिया गया है तो भाई एलॉय वाली लुक देते हैं आपको ये व्हील कैप। अब जो टायर प्रोफाइल है वो आपको इसके अंदर मिलेगी 175/65 R14, 14 इंच के भाई आपको इसके अंदर रिम मिलते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन फ्रंट में मिलता है एंड रियर में आपको सेमी इंडिपेंडेंट मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस जो नॉर्मल टियागो है उसके अंदर भाई आपको यहाँ पे मिलती है 170 mm की, लेकिन ये CNG भी है एंड भाई ऑटोमेटिक भी है तो थोड़ा सा वजन इसका बढ़ गया, तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा 2 mm कम हो गया। अब इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। और जो व्हील बेस है वो तो भाई ज़बरदस्त है, 2400 mm का व्हील बेस मिलता है आपको, जिसका जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो अंदर आपके गाड़ी के अंदर लेग रूम में मिलेगा। ORVMs की बात करें तो भाई ORVM को पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, इंडिकेटर्स भी आपके ORVM में ही मिलेंगे। डोर्स की बात करें तो भाई यहाँ को हल्का सा क्रोम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, अभी जो है वो ऐसी रहेगी, फ्लिप की टाटा आपको देता है और एक चाबी आपकी नॉर्मल रहेगी। लॉक अनलॉक एंड जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी ये लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। आ जाते हैं भाई गाड़ी के रियर में, तो रियर में ऐसी प्रोफाइल दिखती है भाई, टियागो सीएनजी AMT, भाई बहुत लंबा नाम हो गया भाई, बीच में आपको टियागो लिखा मिलेगा। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई कि जो यहाँ पे ये लॉक दिया गया ना ये नहीं होना चाहिए था। कैमरा अच्छा लग रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है, लोगो बहुत अच्छा लग रहा है, जो नया डिज़ाइन हुआ है लोगो, छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है ICNG। AMT की आपको कोई बैजिंग नहीं मिलेगी रियर में। फॉगर पर वॉशर बिल्कुल मिलेगा, भी हमारे हाथ में, या तो हम इसको अंदर से खोल सकते हैं या यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं, तो हम चाबी से ओपन कर लेंगे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेलगेट दे देते थोड़ा सा तो और ज़्यादा बेहतर होता। जैसे हम इसकी टेलगेट खोलेंगे तो यहाँ पे भाई बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। भाई यहाँ पे बहुत तगड़ा खेल जाता है क्योंकि टाटा देता है भाई आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, एक ही सिलेंडर बड़ा नहीं देता है, जिससे भाई आपका जो बूट है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। लेकिन भाई अगर 2 सिलेंडर यहाँ आ गए तो आप स्टेपनी कहाँ रखोगे, तो स्टेपनी भाई गाड़ी की यहाँ नीचे चली जाती है, स्पेस सेवर स्टेपनी आपको इसके अंदर मिलती है। इसको भाई जैसे हम अपनी SUVs के अंदर स्टेपनी उतारते हैं, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, तो इसको यहाँ से ऐसे पुल करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे, देखो आपके दोनों सिलेंडर दिखेंगे एंड यहाँ पे देखो उसको आपको लूज करना है तो आपकी स्टेपनी भाई नीचे उतर जाएगी। एंड देन जैसे हम अपनी नॉर्मल SUVs में करते हैं ना कि भाई जब नीचे आ जाती है तो बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे आप अपनी स्टेपनी को बाहर निकाल सकते हैं एंड वापस से
लगा सकते हैं। तो ये तो होगी भाई बूट की बात। पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, वो आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। टेल लैंप्स भी एज इट इज सेम रहेंगे जैसे आते हैं टियागो के अंदर। तो ये तो बाहर की भाई लुक्स रही, अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर क्या चेंज हुआ है वो अब आपको दिखाते हैं। तो अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के अंदर। गाड़ी के भाई इन एंड आउट बहुत इजी है, मतलब टाटा की कार्स में ना मैंने एक चीज देखी है, आपको हेडरूम बहुत अच्छा मिल जाता है, नी रूम अच्छा मिलता है। अब मेरी हाइट जैसे 6 फीट है, मैं अगर अपने अकॉर्डिंग इस सीट को एडजस्ट करूंगा ना तो भाई पीछे भी 6 फीट का बंदा आराम से बैठ सकता है। ड्राइवर की जो सीट है वो मैनुअली एडजस्ट रहेगी, आप इसकी हाइट ऊपर नीचे मैनुअली कर सकते हैं। स्टीयरिंग भी जो है वो आपका टिल्ट रहेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, टिल्ट मिल गया बहुत है भाई। लेकिन एक कमी लग रही है भाई मेरे को इस गाड़ी के अंदर, भाई अभी तक हमने इन्वॉल्व के 2 स्प्रे नहीं किए भाई। तो सबसे पहले भाई आम करेंगे 2 स्प्रे गाड़ी के अंदर। ऐसे ही आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठो ना भाई, इन्वॉल्व के 2 स्प्रे करने तो बनते ही हैं। फिर भाई साहब गाड़ी के अंदर जो खुशबू आएगी, जो महक आएगी, आय हाय हाय हाय, स्वाद आ जाएगा। नई गाड़ी नई खुशबू। आज मैंने स्प्रे किया है एम्बर का, इसके जो एसेंशियल और प्रीमियम ऑयल्स है ना भाई, आपकी गाड़ी के अंदर इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस लेके आएंगे और आपको ये ना ऐसे मतलब सूदिंग सी फील होगी, चुभने वाली फील नहीं होगी, सूदिंग फील होगी। एंड जो भी आपकी गाड़ी के अंदर बैठेगा ना वो कहेगा अरे भाई साहब खुशबू तो आ रही है आपकी गाड़ी के अंदर। तो इन्वॉल्व के सारे प्रोडक्ट्स भाई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है और भाई इनकी ना जबरदस्त कॉपी भी अब आने लग गई है। तो मैं थोड़े से स्क्रीनशॉट यहां पे लगाऊंगा, तो उनको बाय नहीं करना, आपको बाय करना है ओरिजिनल इन्वॉल्व योर सेंसेस की वेबसाइट पे जाके, कहीं और से मत करना भाई। कहीं आपको लोकल प्रोडक्ट मिल जाए और फिर कहो विक्रम भाई आपने तो गलत प्रोडक्ट बता दिया, ऐसा मत करना। और हाँ कूपन कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस की वेबसाइट पे और अपना फेवरेट कार परफ्यूम, अपनी फेवरेट फ्रेग्रेंस ऑर्डर करो। तो अब लगाते हैं भाई गाड़ी के अंदर चाबी, क्योंकि पुश स्टार्ट आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। तो जैसे हम चाबी लाएंगे इग्निशन ऑन करेंगे, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसके अंदर मिलता है, ट्रिप ए ट्रिप बी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अच्छा एक चीज़ और अच्छी है टाटा की कार्स में, ये गाड़ियाँ भाई CNG पे ही ऑफ होती हैं, मतलब मोस्टली जैसे आप CNG गाड़ी चला रहे हो तो CNG पे बंद होगी, लेकिन काफ़ी गाड़ियाँ होती हैं जो पेट्रोल पे स्टार्ट होती हैं। टाटा की जो ये गाड़ी है भाई ये CNG पे भी स्टार्ट होती है, अगर आपने CNG पे कर रखा है तो CNG पे ही स्टार्ट होगी। एंड यहाँ पे भाई आपको कोई कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, जस्ट आप यहाँ से अपना ट्रिप ए ट्रिप बी ये सब मैनेज कर सकते हो, इधर से आपका क्लॉक मैनेज आप कर सकते हो। और साइड AC वेंट्स देखो यहाँ पे आपको ना एक अलग सा कलर दिखेगा, ये सेम वही टोर्नेडो ब्लू कलर है, ये टाटा ने ना जो AMT आई है ICNG में जो AMT है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है टॉप एंड वेरियंट के अंदर, कि जो आपका कलर होगा उसी कलर के आपको ये साइड के AC वेंट्स मिलेंगे। अगर आप नीचे वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आएंगे। यहाँ पे भाई आप अपने म्यूजिक के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बजाते हैं सेंटर कंसोल पे तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलेगी AC वेंट्स, यहाँ पे आपका हजार्ड लैंप स्क्रीन आपको इसके अंदर मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको इसके अंदर मिलता है। नीचे आ जाएंगे यहाँ से आप अपने फॉग लैंप्स ऑन ऑफ कर सकते हो, गाड़ी को लॉक अनलॉक या आपको टैप करना है तो ये पेट्रोल पे चली जाएगी, एंड इसको टैप करेंगे तो आप ये CNG पे चली जाएगी। नीचे आपको मिलता है यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, उसके नीचे भाई टाटा ने यहाँ पे छोटा सा एक स्टोरेज स्पेस दिया है। और एक चीज बहुत अच्छी करी है भाई, देखो 12 वोल्ट भी आपको दिया है, टाइप सी पोर्ट भी आपको दिया है, USB पोर्ट भी दिया है। ये बहुत अच्छी चीज है कि तीनों चीज टाटा ने भाई आपको यहाँ पे दी है। यह काफी चीजें मिस कर रहे हैं आजकल ना, बहुत सी कंपनियां ये चीज मिस कर रही हैं कि वो 12 वोल्ट नहीं देती आगे, लेकिन टाटा की ये बहुत अच्छी बात है कि 12 वोल्ट टाटा ने आगे दिया है। सबसे बड़ा चेंज भाई कहां आता है, वो आता है यहां पे। जी हां अब आपको इसके अंदर मिलता है 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। AMT को हम यही बोलते हैं ना भाई ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। अब ये काम कैसे करता है, अभी जब हम इस गाड़ी की ड्राइव पे चलेंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है। सिंपल जैसे AMT होता है भाई, न्यूट्रल में गाड़ी को स्टार्ट किया जाएगा, यहाँ पे ए पे कर देंगे ऑटोमेटिक, इधर कर देंगे तो आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, अपने गियर्स को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेक दबा के एक बार इसको रिवर्स लगाता हूँ तो हमारा ये बैक कैमरा भी एक्टिवेट रहेगा। यहाँ पे भाई आपको मिल जाते हैं 2 कप होल्डर्स, एक छोटा भी आप यहाँ पे रख सकते हो, तो 2 वाटर होल्डर या कप होल्डर आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे आपका कुछ छोटा मोटा की भी आपको रखनी हो, एंड यहाँ पे भी आप अपनी एक बोतल रख सकते हो। फुल हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सीट के पास भाई आपको मिलेगा फायर एक्सटिंग्यूशर, ये भाई मस्ट होता है, मतलब एक सेफ्टी फीचर है CNG कार्स के अंदर भाई, कंपनीज को मैन्युफैक्चरर्स को भाई ये देना होता है तो वो यहाँ पे देगा, और ऐसी जगह पे देना होता है जहाँ पे इजीली वो रीच में हो, ए बंदा एकदम से उठा के उसको यूज कर सके। अब भाई इस गाड़ी के अंदर ग्लव बॉक्स क्यों नहीं दिया भाई, टाटा ने भूल गई क्या? नहीं भाई दिया है, ये देखो बटन यहाँ छुपा के दिया है, सॉफ्ट क्लोज है भाई, आराम से ये खुलता है, एंड काफी बड़ा भाई ग्लव बॉक्स है, आप इसमें अपना काफी सामान रख सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप अपना पेन भी होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे अपने कार्ड भी रख सकते हैं,
तो ये यूटिलिटी का अच्छा खास क्या लगता है भाई टाटा? दरवाजों की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको चारों दरवाजों में बोटल होल्डर मिलता है, चार स्पीकर मिलते हैं, ट्विटर्स भी आपको इसके अंदर मिलते हैं जो यहाँ पे ए पिलर में दिए गए हैं। डोर हैंडल भाई आपको यहाँ क्रोम में मिलेंगे, पावर विंडो आपको चारों मिलेंगी, चाहे आप कोई सा भी वेरियंट लीजिए। हाँ, जो ऑटो अप ऑटो डाउन है वो आपको टॉप एंड वेरियंट में मिलेगी। ORVM है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है। जो XTA वेरिएंट है उसके अंदर आपको खाली इलेक्ट्रिकली एडजस्ट मिलेंगे। आपको टिकट होल्डर एक मिलेगा एंड एक टिकट होल्डर आपको यहाँ पे मिलेगा। पैसेंजर साइड पे आपको एक छोटा सा वैनिटी मिरर मिलेगा। एंड लाइट की बात करें तो भाई ओ भाई टाटा ने भाई यहाँ पे व्हाइट लाइट दिया है। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी की रियर सीट पे। ओ भाई बिल्कुल आराम से बैठ गया हूँ मैं। जो आगे वाली सीट है वो मेरे अकॉर्डिंग सेट है, यानी 6 फीट का बंदा आगे बैठा है, 6 फीट का बंदा पीछे बैठा है। नी रूम ओके है मेरे पास, कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, थाई सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ सकता था। एंड हेडरूम की बात करें तो डिसेंट हेडरूम है। हेड्रेस जो है वो मैं मिस करूंगा क्योंकि एडजस्टेबल हेड्रेस नहीं है, फिक्स हेड्रेस है, तो मैं जब ऐसे करूंगा तो गर्दन पीछे जाएगी। हालांकि छोटे से एक एडजस्टेबल हेड्रेस होने चाहिए थे कि भाई टाटा ने तो पीछे भी ट्विटर दिए हैं, 2 ट्विटर आगे, 2 ट्विटर पीछे, 4 स्पीकर, हार्मन कार्डन का इसके अंदर सिस्टम दिया गया है। बहुत बढ़िया भाई। एंड यहाँ आर्मरेस्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन 3 पॉइंट सीट बेल्ट जरूर दी गई है आपकी सेफ्टी के लिए। और आजकल नया सेफ्टी फीचर है भाई कि अगर पीछे बंदा बैठता है तो उसको सेफ्टी बेल्ट लगानी पड़ेगी। एक तो कारण ये है कि वो बैठेगा तो भाई बीप बीप करेगी, और दूसरा भाई आपकी अपनी सेफ्टी भी उसमें है। यहाँ पे आपको कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह या रियर एसी वेंट नहीं दिए गए हैं, तो आपको जो भी चार्जिंग लेना है आगे से ही लेना है। अब चलते हैं गाड़ी की ड्राइव पे। अब ड्राइव पे तो चलेंगे, उससे पहले आपको गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो बता दूं। जो नॉर्मल टियागो आती है भाई उसके अंदर आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है आपकी 85 BHP और जो टॉर्क देता है वो 113 न्यूटन मीटर का। लेकिन जब आप इस गाड़ी को CNG में चलाएंगे तो वहां पे हल्का सा भाई पावर में कमी हो जाएगी। वहां पे आपको पावर मिलेगी वो आएगी भाई आपकी 73 BHP और जो टॉर्क रहेगा वो रहेगा 95 न्यूटन मीटर का। हालांकि ऑन पेपर्स देखें तो ज़्यादा फर्क नहीं है, ड्राइव में कितना फर्क आता है पेट्रोल और CNG को चलाने में ये तो अब आपको ड्राइव पे पता लगेगा। तो भाई आ गए हम हाईवे पे भाई गाड़ी की ड्राइव का आनंद लेने के लिए। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। पहले साइलेंटली गाड़ी स्टार्ट हो गई, ब्रेक दबाया, डी पे लगाया। एंड भाई मेनली तो मेरे को ये चेक करना है कि मेरे को ना टाटा का जो AMT था ना भाई बहुत जर्की लगता था, मतलब झटके देता था, मतलब जब गियर चेंज होते थे। एक वो चीज़ चेक करनी है, एक ये कि CNG में इसका कैसा पिकअप रहता है, कैसे ये गियर शिफ्ट करती है। अब देखो बात करते करते ऑलरेडी भाई ये गाड़ी 4th गियर में जा चुकी है और गियर चेंज का भाई हाँ मानता हूँ AMT है तो पता लगेगा, लेकिन जितना जर्की भाई पहले था उसमें थोड़ी सी भाई इम्प्रूवमेंट की है टाटा ने। 84 की स्पीड पे भाई गाड़ी इस टाइम चल रही है। देखो थोड़ा डाउन मारा मैंने, गाड़ी ने लिया 4th गियर, गाड़ी ने 100 क्रॉस कर दिया भाई और फुल स्टेबल है गाड़ी। 110 इस टाइम CNG पे चला रहा हूँ, कहीं आपको लगे कि विक्रम भाई पेट्रोल पे चला रहे हो तो देख लो भाई प्रॉपर CNG पे चला रहा हूँ। और ये जो गाड़ी हम टेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं भाई पूरे 5 आदमी, आपको दिखा भी देते हैं। 3 भाई पीछे बैठे हैं, इधर मृणाल बैठा है और मैं चला रहा हूँ, मतलब 5 बंदों के साथ हम गाड़ी को प्रॉपर टेस्ट कर रहे हैं भाई। एक बार ब्रेकिंग भी टेस्ट कर ली जाए तो इस वाली लेन में आते हैं, पीछे कोई गाड़ी आ नहीं रही है। तो 97 की स्पीड पे भाई हम देंगे सडन ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग। ये लो भाई, तो भाई गाड़ी ना तो लेफ्ट राइट की, हालांकि स्टीयरिंग को मैंने अच्छे से पकड़ रखा था भाई। अब एक बार 0 to 60 कर लें या 0 to 80 करें, तो एक बार हम इसको स्टैंड स्टिल कर लेते हैं गाड़ी को। 1 2 3 ये देखो भाई, ओ भाई व्हील स्पिन भी कर रही है। तो फर्स्ट गियर में भाई गाड़ी पता कहां तक गई है, 45 तक गई है। तीसरा गियर लगाया भाई ने 70 क्रॉस करने के बाद, अगर आप इसको भगाओगे लाल पे आ गया था RPM बिल्कुल। ये देखो पूरा एक्सेलेरेटर अगर मैं दबा के रखूंगा गाड़ी का, और भाई पेट्रोल और CNG में ज्यादा फर्क लग नहीं रहा है मेरे को। एक बार मैं इसको पेट्रोल पे भी करके देख लेता हूँ। ये देखो मैंने इसको पेट्रोल पे डाल दिया है, हालांकि ऑन पेपर्स जो पावर का फर्क है वो 10 BHP का है, लेकिन भाई ऑन रोड तो भाई कोई खास फर्क लग नहीं रहा मेरे को। गाड़ी की राइड अच्छी है, सस्पेंशन सेटअप भी अच्छा है। आगे आपको पता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है, रियर में आपको सेमी इंडिपेंडेंट मिलता है। ब्रेक्स काफी अच्छे हैं, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। बढ़िया भाई, मेरे को तो ड्राइव में आनंद आया। हल्का सा RPM में फर्क जरूर दिखेगा आपको जब आप ऑन फिगर्स मतलब यहाँ पे मीटर में देखेंगे, तो हल्का सा तो देखो रहता है ना भाई CNG और पेट्रोल में तो फर्क आएगा, लेकिन ड्राइव भाई इंजॉयबल है। 3 बंदे भाई एक ठीक ठाक हाइट के, मतलब जैसे प्रवीण 6 फीट का है, बीच में भाई ऋषभ है, इधर आशीष है, आशीष थोड़ा सा दुबला पतला है, लेकिन भाई 3 बंदे पीछे बैठ पा रहे हैं और भाई 6 फुट का बंदा गाड़ी चला रहा है। और पीछे लेगरूम कैसा है भाई?
बढ़िया भैया, एकदम कंफर्टेबल, 6 फीट 2 इंच वाले आराम से बैठे हैं। तो भाई बाकी तो सारी टेस्टिंग कर ली भाई, पर एक बार स्पोर्ट्स मोड तो लगा लें गाड़ी का। तो भाई स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे है, मैनुअल शिफ्ट पे चले जाइए, मैनुअली आप यहाँ से गियर भी चेंज कर सकते हो और ऑटोमेटिकली आपको ये स्पोर्ट्स मोड का मजा भी देगा। वो कैसे, ये देखो भाई, जैसे ही आप भाई पूरा एक्सेलरेट करोगे गाड़ी को, कितने आरपीएम पे चेंज करेगी ये, 6000 आरपीएम पे जाके गाड़ी ने दूसरा गियर लिया ऑलमोस्ट 50 की स्पीड पे, एंड तीसरा गियर लेगी भाई ये गाड़ी, 70 क्रॉस करके तीसरा गियर लिया। और ऐसे ही पूरा एक्सेलरेटर अगर मैं दबा के रखूंगा तो मेरे ख्याल से तीसरे गियर में ये गाड़ी 100 क्रॉस करेगी, 99, 100। चौथा गियर कब लेगी भाई ये, 110 क्रॉस कर चुकी है गाड़ी, 110 के बाद फोर्थ गियर एंड भाई फिफ्थ गियर। अब देख लेते हैं, बस फिफ्थ गियर भी चेक कर लेते हैं। वैसे हम भाई मुंबई एक्सप्रेसवे पे हैं तो स्पीड लिमिट में ही है भाई, 120 की तो स्पीड लिमिट ही है, और 4 स्टार रेटेड भाई ये गाड़ी ऑलरेडी है। भाई पाँचवा गियर नहीं लगाया गाड़ी ने अभी तक, 140 क्रॉस कर गई भाई गाड़ी, पाँचवा गियर नहीं ले रही है। ये भी जिमनी से मिल के आई है क्या ये भाई, पाँचवा गियर ही नहीं ले रही भाई गाड़ी, गाड़ी भाई 150 क्रॉस कर गई भाई, 150 के बाद पांचवा गियर लिया है। और थोड़ा सा जो लैग होता है ना भाई, वो हल्का सा तो आपको मिलेगा सीएनजी में, पेट्रोल में शिफ्ट कर देंगे तो थोड़ा सा और जल्दी चली जाएगी। अब गाड़ी को ड्राइव पे लेके निकलोगे तो भाई फ्यूल भी तो डलवाओगे इसके अंदर, तो भाई फ्यूल यहाँ से डलता है भाई, आपकी सीएनजी डलती है, यहाँ आपका पेट्रोल डलता है। सीएनजी की जो इसकी कैपेसिटी रहेगी वो 60 लीटर की टैंकी है, यानी आप मान के चलो 2 सिलेंडर में बढ़िया प्रेशर है तो 4.5-4.5-9 किलो के आसपास आपकी सीएनजी आ जाएगी, और जो पेट्रोल है वो आपका 35 लीटर का स्टोरेज है। और अगर ये खुला रह जाता है फ्यूल लिड, तो देखो यहाँ पे इसको पता लग जाएगा तो गाड़ी आपकी नहीं चलेगी जब तक आप इसको बंद नहीं करोगे। और माइलेज की बात करें तो 28 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज क्लेम कर रहा है टाटा टियागो सीएनजी एएमटी की। अब एएमटी जो ट्रांसमिशन होता है ना, उसकी लगभग मैनुअल ट्रांसमिशन के बराबर ही भाई माइलेज आती है, कुछ ज़्यादा कम नहीं होती है, कई बार तो उससे ज़्यादा भी देता है। कि भाई मैंने तो बहुत इन्जॉय किया भाई टाटा सीएनजी एएमटी की ड्राइव को। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप भी ढूंढ रहे थे ऐसी गाड़ी जो भाई सीएनजी के साथ साथ ऑटोमेटिक भी हो, तो भाई अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास टाटा टियागो सीएनजी एएमटी ही एकलौता ऑप्शन है। हो सकता है टाटा ने ये इनिशिएटिव लिया है, आने वाले टाइम में भाई और भी कंपनीज ये इनिशिएटिव लें, क्योंकि भाई देखो लोगों को फीचर्स भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए और ऑटोमेटिक भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तो भाई इस सेगमेंट में सिर्फ आपको यही गाड़ी देगी। बाकी इस ड्राइव का क्रेडिट जाएगा भाई सीएसजी टाटा को, जिन्होंने हमारे को भाई ड्राइव के लिए ये कार प्रोवाइड करवाई। तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते तो आप भी सीएसजी टाटा के शोरूम में विजिट कर सकते हैं, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑटोमोटिव 17 का डिस्काउंट लेना मत भूलना भाई, वो तो आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट, बाय बाय। और एक चीज और, वॉल्व के कार परफ्यूम्स आपको सिर्फ ओरिजिनल इन्वॉल्व योर सेंसेस की वेबसाइट से जाके परचेज करने, कूपन कोड लगाना है विक्रम।